हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशन्स के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं 12 और मेरा घर का पूरा काम हो गया है। आज है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी का फास्ट तो ऑलमोस्ट सभी करते हैं, कौन कौन करता है मेरे को कमेंट में बताना। तो अभी ऐसे तो पूजा करने हम लोग जाते थे, कभी बड़ी मम्मी है मेरी बड़ी सास वहाँ चले जाती थी, कभी मम्मी के यहाँ। बट ना मम्मी के यहाँ अभी 4 बजे लगेगा और बड़ी मम्मी ने भी कल कर लिया, उन्होंने कल मान ली। तो आज मैं अपने घर पर ही पाटा लगा रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं अपने घर पे पार्टा लगा रही हूँ। तो आज मैंने उसी का सोचा थोड़ा छोटा मोटा व्लॉग बना लूँ, आप लोगों को दिखाऊँ अपना डेली रूटीन, क्या आज का मेरा दिन कैसा है, मेरा खाना बन गया है, बस बर्तन मुझे धोने, मम्मी जा रहे हैं ऊपर कपड़े सुखाने, लड्डू मम्मी 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 लड्डू सो चुकी है, मैं दिखाती हूँ आपको। गिरे उसकी वॉकर में से मैं निकाल रही, कपड़ा वॉकर घंटे में कपड़े हमारी गणपति पापा मोरिया। इस बार हमने गणपति पापा सिर्फ 5 दिन के बैठाए ना। नेक्स्ट व्लॉग इसी का आएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, यही चीज रिवील करेंगे। वो भी मेरी लड़की लाइट शॉट्स में दे रही है, सो रही है मैडम बड़ी पीस। अब सब लोग पूछेंगे कि तकिया क्यों लगाया इसको कान पे, तो वो मैं बताती हूँ। ये मैं लड्डू का बैग जो कि मैंने नहीं उठाया था, इसलिए इसकी पैकिंग करना है मुझे, इसलिए इसको ऊपर नहीं भेजा। ये भी हम कपड़ों का गट्ठर लेके, कपड़ों का गट्ठर लेते हुए मैंने अपना पूरा घर क्लीन कर दिया है। आज मैंने बनाया है आलू भी नहीं ले सकती हूँ, ये रहा। मैं स्टिक लेके आती हूँ, थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे अपन। तो मैंने बनाया है आज 2 लोगों के लिए सब्जी बनाई है, जो भी मैंने गरम गरम पकड़ लिया था मेहमान के पसंद के लिए, और थोड़ी सी गलती टूट गई क्या कल की, थोड़ी सी पत्ता गोभी की सब्जी रखी हुई है। और मेरा फास्ट है, मेरे देवर चले गए सुबह सुबह, तो वो भी लंच नहीं लेके गए आज, तो लाइक की सब्जी रखी हुई है थोड़ी बहुत, ये बच जाएगी। और हाँ मैंने तो क्या खेला था लड्डू पापा को बताती हूँ, तकिया लड्डू को इसलिए रखा है क्योंकि ना ऐसे गाड़ियों का हॉर्न आता है ना, आवाज़ आती है तो वो ऐसे चमक जाती है, उठ जाती है, तो उसको थोड़ी देर तक सुलाने के लिए उसको तकिया लगा देते हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है किसी ने हाथ रख के रखा है तो सो रहा है, उसको इस चीज़ की आदत होगी। और शायद ये आदत गंदी बुरी आदत है ना, आदत लग जाती है बच्चों को। बट मैं क्या करूँ, अभी मम्मी भी ऊपर चले गए, पापा है नहीं, पापा है शायद ये तो मैं ऐसे नहीं उठेगा पापा, मम्मी ऊपर गए, उठ जाएगा मेरे से। फाइनली मैंने ही उठाया है, पापा पूजा का सामान लेके आए हैं और ये रखा कट्टी, मेरी मेरी रिंग लाइट, बस मुझे बर्तन और धोने में 1 मिनट आगे से फ्रंट कैमरा कर लूँ। हाँ तो 1 मिनट है, कहाँ गया भैया तू, इधर आ। कैसा वैसे टेढ़ा मेरा, ओहो जी अब ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे आपने ये क्यों लगा के रखा है, तो ये ना मच्छर छोटे मच्छर हो जाते ना, जब हो जाते तो हम चालू कर लेते हैं। मस्त घी की रोटी, मैं बस लंच ही मांग रही थी, महंगा लंच चला जाएगा आज तो। खाना ऑलमोस्ट बहुत सारा रखा हुआ था क्योंकि पर रात को भी किसी ने ज़्यादा खाना नहीं खाया तो खाना बच गया। बस इसके बाद मैं पूजा करूँगी और फिर मुझे मेरे लिए मोदन की खिचड़ी भी बनाना है, क्योंकि इसमें मोदन की खिचड़ी खाती हूँ सदा, मुझे मोदन की खिचड़ी बहुत पसंद है। प्लस मुझे ना मोदन की खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद है, बिल्कुल भी, और बहुत मुश्किल से मतलब बस खा लेती हूँ मन मार के। कहाँ गए लंच बॉक्स का,
फिर मैंने उसको बड़ी मुसीबतों से छूट हम लोग इतनी अच्छी जगह जाने वाले हैं ना, और फैमिली मतलब 4 साल में पहली बार जा रहे हैं हम लोग फैमिली, मतलब गए थे तब शिरडी गए थे, तब वो ट्रिप सिर्फ एक दिन की थी, जाना ना जाना बराबर था, उस टाइम पे बॉन्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, चुप चुप गए थे चुप चुप आए थे, इस बार बहुत मज़ा आएगा, इस बार तो हम पूरे 4-5 दिनों के लिए जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। खाना खा लो पापा, भूख लग रही, तो खाना तैयार है। तो फैमिली तो हम फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे, यही समझो, क्योंकि पिछली बार तो जाना ना जाना बराबर ही था। लड्डू पता क्या करती है, जिस जो हमारे पहले व्लॉग्स देखते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे स्लाइडर वाले गेट नहीं लगे थे, पड़ले जिनको हमारे पड़ले बोलते हैं वो नहीं लगे थे, लड्डू की वजह से ही लगवाए हैं। और ना ये तो ठीक है, ठीक है, अब लड्डू आ गई, ये जो है ना प्याज लहसुन की टोकरी इसको पूरा गिराती है, हम रोज ही जमाते हैं सब्जी। लड्डू पता मम्मी की कस्टमर का फोन था ना, पहली बार जा रही है, यही समझूंगा। हम लोग अम्बाला भी गए ना, तो उतना मतलब हम लोग वहां गए थे ना मनाली, तो अब ये समझो उतना मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है, कि फैमिली नहीं थी ना, अदरवाइज बहुत मज़ा आता फैमिली के साथ। और बस अब पैकिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आफ्टर 2 डेज हम लोगों को जाना है। आप लोग क्या किसके यहाँ ऋषि पंचमी होती है, कौन कौन ऋषि पंचमी के फास्ट रखते हैं? वैसे ऋषि पंचमी का फास्ट हर लड़की रखती है, सभी रखते हैं ऋषि पंचमी का, तो हर लेडी रखती है। आप लोग के घर में कैसे होते हैं? हमारे घर में ऋषि पंचमी की पूजा कैसे होती है आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। मैंने आज सोचा इसी चीज़ का ही ब्लॉग बना दूँ, बट कर नहीं पाए तो मैंने जाने से पहले एक बार सफाई कर लो ना घर के, तो आओ ना तो इतना अच्छा लगता है कि हाँ हमारे घर में सफाई है और कुछ करने का नहीं है। मैंने मेरी अलमारी भी जमा ली, इसलिए बस लड्डू की अलमारी बाकी है जमाना। आप लोगों को ट्रिप्स कैसे पसंद है, सिंगल या फैमिली के साथ? फैमिली के साथ ना ट्रिप का मजा इसलिए होता है क्योंकि हर कोई कोऑपरेटिव होता है, हर जिसके ऐसा नहीं कि बच्चा होने के बाद में ये चीज बोल रही हूँ, हम लोग जाते तो ज्यादा फैमिली के साथ जाते हैं। हम लोग अकेले कहाँ जाते हैं ना, मूवी देखने जाते हैं अकेले माही और में, बस मूवी जाते हैं। और तो मैं शॉपिंग के लिए भी मम्मी के साथ जाती हूँ, है ना, और ऐसे कहीं हम लोग जाते हैं उज्जैन वगैरह तो भी हम लोग फैमिली जाते हैं, अकेले नहीं जाते। ये तो रोज ही साफ करना पड़ता है, पता है क्यों? क्योंकि तेल के छींटे होते हैं ना, तो व्हाइट टाइल्स पे तो बहुत ज्यादा दिखते हैं। और हमारे ना वॉशरूम की व्हाइट है, किसी किसी के व्हाइट नहीं रहते, वो लोग बहुत अच्छे सूखी रहते हैं। तो हम लोग को वॉशरूम में अगर थोड़ा सा जैसे कीचड़ की चप्पल भी अगर कोई लेके, वैसे तो ये स्लीपर्स होती है, बट फिर भी अगर किसी के बाहर से कोई आया कि चढ़ के पैर और वो ही स्लीपर में ले लिए हैं और फिर स्लीपर उतार के अगर चले गए हैं, बहुत गंदा हो जाता है। हमारे मम्मी बस वॉशरूम वगैरह क्लीन करके गए हैं, हमने बस बर्तन धो के बस मुझे नहाना है, नहा के मछली हो जाऊंगी, नहा के सीधे मैं पाटा लगाऊंगी। और हमारे यहाँ पे मतलब ऋषि पंचमी पे येलो वेयर करते हैं, मैं येलो साड़ी पहनूंगी आज, तो पहनूंगी। आप लोग क्या क्या वेयर करते हैं मुझे बताना एक बार। बस बर्तन और धोने, मुझे बर्तन धो के मैं फुल ऑन रेडी
अब ये जो सिर्फ किचन साफ हो गया है ना मेरा, अब ये दिन भर ऐसे साफ रहेगा, क्योंकि क्यों खाना बन गया है सिर्फ खाना। और हमारे कोऑपरेटिव लोग इतने कि खाना भी निकालते, गंदा भी तो साफ कर देते, मतलब एक कपड़ा रख के रखते हैं हम लोग, अगर कुछ भी आए तो बस साफ करो, तो किचन दिन भर साफ रहता है। तो मैं वीडियोज भी जब शूट करती हूँ तब आपको मेरा किचन हमेशा क्लीन दिखता है, आप लोग पूछते हैं ना इसीलिए दिखता है, क्योंकि एक बार खाना बनता है उसके बाद क्लीन हो जाता है। और एक बार अच्छे से क्लीन कर दो तो फिर वो दिन भर अच्छा रहता है। पहले बर्तन वाली बाई आती थी ना, पहले आती थी हमारे बर्तन वाली, तो बहुत जल्दी काम हो जाता था, क्योंकि उसके उसके काम के, अरे मेरा मुंह ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि काम उनके हिसाब से होता था। जैसे वो आने वाली 12 बजे, तो 12 बजे से पहले हमारा खाना बन जाता था। तो आपको पता है इसने मुझे कितनी देर दी, उतनी देर जितनी देर में मैं स्टैंड साफ कर लूँ और घर में झाड़ू पोछा कर लूँ, बस उतनी देर में मुहतरमा उठ गई। देखो कहाँ चढ़ना है इसका, कहाँ चढ़ना है बिट्टू, कहाँ चढ़ना है लड्डू, ए लड्डू, ए लड्डू, ओ लड्डू, लड्डू पेड़ा बेटू मेरा, ए पेड़े लड्डू, ओ बेटा आपको कहाँ जाना है, मम्मा की तो बात सुन लो, मम्मा के बच्चे, ऐसे मस्ती करना इसे। मम्मा तो जा रही, मम्मा तो जा रही, बस अब देखते हैं कितने देर में फ्री होती हूँ मैं, मम्मी आ जाए तो इसको ले लें। खा लिया खाना? कुछ पुची क्या करी बेटा, मम्मा तुम्हारी छमछम मम्मा का कर ली, मम्मा का कर ली, हो गया मनीषा ऊपर चली गई, मैं लेट हो गई ना मम्मी, 5-10 मिनट सोई है। बस अब आ गई ना, बस फटाफट में नहा लेती हूँ, फिर मैं तेरा फरियाल बना दूंगी, जब तक तू नहाना धोना कर लेना, ठीक है? बस पार्टी में तो नहाने में टाइम लगेगा। ओहो देख ऊपर गई, पटिया लाना भूल गई पूजा का। अरे यार, अरे यार, यहाँ नहीं है ना, ऊपर रखा है पूजा, नहीं वो छोटा है ना, अरे बहुत ज़्यादा बड़ा है वो, एक छोटा ऊपर भी रखा है ना, ऊपर रखा है, चमक गया है बर्तन तो, बस अब मैं भी नहा लूं। कौन आया? पार्सल, पार्सल जो लेडीज होती ना, जो मतलब इंदौर की क्या कहीं की भी औरतें, हमेशा अपने सिर पे, चाहे आपके घर में 4 टॉवल हो चाहे आपके घर में 5 टॉवल हो, इनको अपने सिर में लगाना, पेटीकोट ही नहीं इनको ताज लगाया, तूने पैसे देखा क्या मुझे? हुआ क्या कि मैं सारे टॉवल धोने लगी, अच्छा कुछ टॉवल गीले पड़े हुए हैं और कुछ अभी मशीन में पड़े हुए, और मैं क्या लगाऊंगा मशीन में, है ना एक बाथरूम में टंगा हुआ टॉवल, तो मुझे पतला सा चाहिए रहता है कपड़ा, वो वाला टॉवल कुछ मोटा है, इसलिए पापा वाला है, मैं भी नहीं लगाऊंगी वो, तो मुझे भी यही दे देना पेटीकोट। तो मैं इनको बता रही थी, बोल रही मोदन तू कैसे खाती, कैसे बनाना बता, तो मैंने इनको बताया पहले कढ़ाई रखना, फिर उसमें तेल डालना, फिर जीरा डालना, फिर मिर्ची डालना, वो हो जाए तो फिर टमाटर डाल देना, फिर हल्दी डाल देना, नमक डाल देना, आलू डाल देना, वो हो जाए तो फिर मोरदन डाल देना। तो बोलती तूने मेन बात तो बता ही नहीं, क्या गैस चालू करना, गैस कौन चालू करेगा, तो मैंने सही ब्लॉग में शूट कर लिया। हाँ जी लाइट वगैरह तो सामने लग गए, चलो मैं नहा के आती हूँ ना फटाफट। कौन से वाले? हाँ ये इसके पास वाला, हाँ ये पापा छाछ लेके आ गए हैं, ज्यादा तो नहीं लाए, ये लो आधे लीटर लाए, अरे बाप ले कितनी प्यारी स्माइल है, कहाँ गया था मेरा बच्चा, छाछ लेने है, कितना अच्छा लग रहा है उसको छाछ लेने, मैं ना कहती हूँ तो सब कुछ हो गया है, मम्मी जरा मुझे दिखा दो, इसलिए
अभी वो शूट कर हाँ यार शूट करने वाला कोई नहीं ना शिट। ये देखो हमारी चिड़िया के साथ पूजा करने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा इसको भी संभालो, थोड़ा इसका भी ध्यान रखो। बस मैं पाटा लगा दो फिर पूजा ही करना है, आज थोड़ा सा लेट हो गया ना लड्डू के चक्कर में। पिहू ओ चिड़िया पिहू, अभी देखो पूरा घर साफ करा था, पर अब देखो उसका सारे खिलौने कपड़े वपड़े सब पड़े हुए, ये सब इनकी वजह से। देखो मेरे को डांट दी, देखो तू चुप बिल्कुल, कौन बच्ची करने लगे। मम्मा देखो कितनी सुंदर सुंदर है कितनी सुंदर लग रही है ना मेरी बेटी, कितनी सुंदर सुंदर लग रही है। थैंक यू पापा, मुझे दिखा तो दो कितनी सुंदर लग रही है। तो फाइनली ये व्लॉग तो कर रहे हैं यहीं पे एंड, क्योंकि हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे तो आगे का कुछ शूट भी नहीं कर पाए, और आप शायद हम फिर से आज डी मार्ट जाएंगे है ना। हाँ। तो ये वाला व्लॉग तो यहीं पे एंड हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट व्लॉग आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं बेटी, लड्डू लड्डू पड्डू कहाँ जा रहे हैं अपन बेटा, बाय बोल दो मम्मी, बाय गुड नाइट भी बोल सकते हैं आज तुम, यही नाइट नहीं गुड बोलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मेरा व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा।